में इसके शांत उस स्थिति में है, ऐसी परिस्थिति के साथ आपसे छोटी सी चर्चा करेंगे और आपको जैसा मैंने देखा था आपको सावधान भी करें। सावधान इसलिए करना चाहिए, अनुभव अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञान होता है। अनुभव के आधार पर ही बहुत सारा विज्ञान बना, बहुत सारे ज्ञान बने। जो धार्मिक नियम बने वो, सामाजिक नियम बने वो, या और दुनिया के जो संविधान बने वो, पाठ्यक्रम बने वो, सारे के सार में किसी न किसी व्यक्ति का या समूह का अनुभव भरा हुआ है। इसलिए आपको सावधान करने की आवश्यकता है। यह एक सुगठित संगठन, संगठन तो वैसे भी वही कहलाता है जो सुगठित हो, पर आज की परिभाषा में भाइयों संगठन यूनियन का नाम मेरे ख्याल से लोग समझते हैं। यूनियन की हिंदी संगठन, और जिस यूनियन का क्या अर्थ होता है, जिस यूनियन का अर्थ यही है साथ में तो रहो लेकिन अपने को भी देख कर पीछे तो उस बात की ओर ज्यादा आपको नहीं ले जाना चाहता। मैं तो दूसरी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं आपके सामने कि आपने संगठन बनाया, इस संगठन में आप आए, इस संगठन में आप आगे भी बढ़ रहे हैं, आगे हो सकता और बढ़ने के काम आप करते चले जाए। यहां पर सावधानी इस बात की रखनी पड़ेगी, इस विचार की रखनी पड़ेगी कि आपने जो कदम उठाया है क्या उसमें आपके विचार कुछ हैं, आप क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे इसके बारे में आप कर्तव्य हैं, आप समझ रहे हैं। हमारे यहां कहा जाता है पानी पीजिए छान के गुरु की जान करो, तो एक बारी बात हम उसको दूसरी भाषा में कहें तो कोई भी कार्य करने के पहले वैचारिक रूप से उसको पूरा का पूरा निश्चय करें, उसके गुण और दोष को जान लें। जिस कार्य को आपने उठाया है उसका दोष मैं आपसे बताने जा रहा हूं कि भाई गुण बताया जाए तो ज्यादा प्रोत्साहन होता है, दोष बताने से क्या उसमें सुख आते हैं, दोष सोचेंगे और एक दो दिन हमने का काम लिया और ऐसा गलत काम है जो आपने लगा दिया तो गड़बड़ हो गया। दो बात है, आप जिस कार्य में लगे जा रहे हैं वो भाइयों वो पक्षी जो हवा के विपरीत चलने जा रहा है, वो मछली जो हमेशा उसकी आदत में तो है वो विपरीत दिशा में चलती है लेकिन उसको जोर लगाने के लिए पहले से उसका मन बन गया। जिस कार्य को आप कर रहे हैं समाज से भी मान्यता प्राप्त तो नहीं, समाज से मान्यता किसकी है, समाज से मान्यता इस बात की है कि आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करें परीक्षाओं में, अच्छे एकेडमिक करियर का निर्माण करके अच्छी नौकरी, अच्छा व्यवसाय, अच्छी पार्टी या और कोई अच्छा जो दूसरों के मुंह से अनायास कहा निकल के आए, हाँ ये काम अच्छा है, हाँ ये काम अच्छा है, तुम आइए सब, हाँ यार अच्छा काम है। ये बात किसी पार्टी में महासचिव हो गए, अरे क्या काम कर रहा, बहुत अच्छा काम। व्यवसाय में 1 करोड़ रुपए आपने जल्दी से जल्दी कमा डाला, अभी क्या दिमाग रखता है, क्या आदमी है, देखो
इसको बिताओ, 25 लोग उसको ला पाए भाइयों। लेकिन जिस काम को आप कर रहे हो उसमें कोई ये बहुत जल्दी बाद में जो इतना कहते हैं कि उसकी बात हम बाद में नहीं, पहले की बात करो। तो पहले किसी भी माँ बाप से पूछ लिया जाए कि आपके लड़के को थोड़ा सा समाज के हित में काम करने के लिए हम सहमत कर रहे हैं, क्या आप उससे नहीं दें? तो 5 बार सब कुछ लाएगा और कहेगा ये आदमी ठीक है, पहले तो इसी की चर्चा करने लगे ये क्या हो गया, ये कौन सा आदमी हमारे लड़के को के पास चला आया, ये कुछ बढ़ा। अभी स्थिति ये बन जाएगी कि कुछ दिनों बाद वो माँ बाप कहेंगे ये किस लड़के के साथ मत रहना, तो पता नहीं क्या सिखाता, अपना काम करना नहीं सिखाता, दूसरे दूसरी जगह पर भटका रहा है। माँ बाप दोस्त की तो कहने क्या, अरे यार ये कोई उम्र है ये करने की, अभी यदि तुमने मस्ती नहीं की तो ये तो उम्र मस्ती की करने की है, खेलने की है, आने की है, क्या करने लगे बेकार की बात। इस तरह तुम्हारे साथ कोई नहीं रहना, तुम अकेले चले जाओ। देखो हम लोग कितने साथी हैं हमारे पास, करें हम लोग पिकनिक ले जाते हैं, हम तो वहाँ पर ऐसा अपना क्या गेट टूगेदर करते हैं, तो क्या करते हैं, जो जो हो सकता है हम लोग बनाने पड़ गए ना, हम लोग को भूल भी गया है क्या 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 करते रहे, हो सकता हम भी करते रहे, ऐसा नहीं है। हमारे जमाने में भी हम लोग समोसा खिलाते थे, सब उस जमाने में समोसा बहुत चला, नया नया चला, तो हो सकता है कि, लेकिन उस जमाने के याद में भी हमको अपना जमाना याद आ रहा है, हम विद्यार्थी जीवन में थे, तो उस जीवन में हमारे जितने भी साथी थे हॉस्टल में रहता था, तो हमारे साथी अधिकांश लोगों को शराब पीने में गौरव महसूस हो रहा था, शराब क्यों पीने थे, लेकिन होता यह था कि जब शराब पी करके रात को आए तो उनको बिस्तर का दिखाई नहीं पड़ता, तो अब यह लगता था कई बार एक आध बार ऐसा होगा मुझे लगा रही रात को पता नहीं कहाँ चला जाए, कहीं गिर पड़ जाए पड़ जाए, तो इसके बिस्तर में हम सो जाए या नीचे भी सोया, जब सोए जगेगा तो उसको अपने बिस्तर में सोएंगे, फिर हम अपने बिस्तर में जाएंगे उसके बिस्तर में हम सो गए। हमारा साथी नीचे सो रहा है, शराब पिया हुआ भाई, उन दिनों में उस कॉलेज के अधिकांश लड़के जब पीते रहे हो तो हमें गौरव मान रहा हो, लेकिन एक बात बता दें कि चूंकि ऐसा लगता था कि जिस कार्य को कोई नहीं कर पा रहा और हम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इसके संघर्ष से, इसका मतलब इस संघर्ष को करना चाहिए, चलो पागलपन भी हो सकता है, लेकिन कोई उस दिशा में मुड़ नहीं सकता, उस नशा की तरफ या और कोई संगति की तरफ। आपसे कहने का आशय है कि समाज आपका अभी साथ नहीं है, इस श्रेष्ठ कार्य को किसी भी कार्य कभी भी नहीं किया, ये दुनिया का हमेशा का नियम है कि जब किसी श्रेष्ठ कार्य में आप चलोगे तो सबसे पहले आपका नजदीकी जो सबसे नजदीकी होगा वही सबसे पहले विरोध करेगा। यदि आपने पत्थर फेंका है तो पत्थर जाते समय सबसे नजदीक उसकी जो हवा के कारण वो उसका विरोध करेंगे, उसका घर्षण करें, उसको रोकने का प्रयास करेंगे, विज्ञान कर लो बाद में जो दीवार से टकराएगा तो दीवार उसका विरोध करेंगे, तो बाद होगा, लेकिन पहले शुरू से पत्थर का विरोध शुरू हो जाएगा। हनुमान जी जब चले थे तो हनुमान जी के लिए सबसे पहले देवताओं ने उसकी परीक्षा के लिए उसको भेज दिया, फिर दूसरा वो बीच में उसको ऋषियों ने कि इसकी परीक्षा ले लिया, कभी देवता कभी ऋषि कभी राक्षस, तीन रूप में उनकी परीक्षा होती थी, तीनों में वो जो सफल हुए थे, तो ऋषि का मतलब उसके जो नजदीक क्षेत्र वाला देवता उसका ऊपर और राक्षस उसका भी ऊपर, तीनों आपके साथ नहीं रहने पहले ये बात मान करके चलिए, आपको देखना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि जब हार गए विरोध ही विरोध है तो ऐसे काम को क्या क्यों करना, तो करना इसलिए है उसका पाजिटिव जो बात है कि इसके बिना आपको कहीं भी बड़ी मान्यता या आगे की सफलता नहीं मिलेगा। जिस काम को आपने संघर्ष के साथ किया और उसमें सफलता पाई तो फिर जितना जो बड़ा संघर्ष करता उतनी बड़ी गाथा उतने दिनों तक जाती, देश को स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनकारियों की गाथा, जो जितना जितने समय तक संघर्ष किया था
समय भीतर भीतर संघर्ष करने की क्षमता लोगों की बढ़ रही। जो काम आप आज शुरू कर रहे थे या एक संस्कार वाला संस्कार सभा चलाई, मैंने 10 साल पहले एक अखबार में पढ़ा था, एक आदमी क्यूल से और लड़का आसनसोल इस वाले रूट पर पैसेंजर ट्रेन में एक आदमी चला करता था। अखबार में हमने वहां पढ़ा था, मध्य प्रदेश में उसका काम था स्टेशन में के लड़कों को खोज करके पढ़ाना। मैं उसका फिर से ढूंढता हूं, यहां आया हुआ जल्दी आ जाइए, बहुत पहले था। मैं वहां से चला था यहां क्यों आकर उसको ढूंढ लेते तो लड़का फिर मुझे मिला नहीं, बहुत पहले की बात। लेकिन उसकी न्यूज एक छोटी सी न्यूज के रूप में मिली थी। लड़का एक लड़का सपना करके नदिया में जिसने शौचालय बनाने का अपना एक संकल्प उठाया, गांव में पाया, कई गांव में पाया और उसको लोगों ने बाहर निकाला कि यह शौचालय करवाया है। क्या कहां से पढ़ा था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, किसी यूनिवर्सिटी पढ़ा था, किसी सरकार ने उसको डोनेट किया। ऐसे ढेर सारे लोग अभी यहां पर वो दशरथ नाथ जी मरे जिनका नाम सुना होगा, उसको किस आदमी ने कहा था, किस सरकार ने कहा था कि तुम्हें बाहर को खोदो। हजारी बार हजारी किसान को किसने कहा था कि खोजो। हजारी किसान के बारे में मैं आपसे बता दूं, मैं जब से इस जोन में आया तब से मैं हजारी बार के लोगों को कह रहा हूं उसकी हिस्ट्री तलाशिए, इसकी हिस्ट्री तलाशिए, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं हिस्ट्री तलाशिए, पर हिस्ट्री उसकी नहीं मिल रही। हिस्ट्री के बारे में नहीं कहता था लगाया, मैंने पूछा वो कहां पैदा हुआ, वो कहा कैसे क्षेत्र का है, कहां का है, कौन उसके बसर है, उसको ढूंढो। आज इतने साल बाद हमारे भीतर वहां जाकर के कहेंगे एक अंधश्रद्धा हो जाए, इसको संघर्ष करने के बाद संघर्ष करके हमारे पर खुद ने क्या कहा।